हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप आज मेरी ये स्वेटर देख रहे हैं, किसी व्यूअर्स ने मुझसे ये वाली बुनती मांगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बर्फ़ी वाली बुनती है, बर्फ़ी डिजाइन है। इसमें मैंने बहुत सारी स्वेटर्स ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली हुई है, पर मैंने किसी में भी ये बुनती नहीं बताई। सिर्फ इसका मेजरमेंट किस तरह से मैंने बनाई है, ये मैंने हाई नेक की बनाई है, एक मेरे गोल गले की बनाई और एक वीव गले की बनाई है। आज मैं इसका आपको बुनती बताऊंगी कि कैसे ये डलती है। छोटा सा सैंपल बताती हूँ। ये जो है 10 घर की बुनती है, 10 10 करके जितने भी आपने फंदे डालने हैं, 10 के मल्टीप्लाई में फंदे डालने हैं। पहले आप बॉर्डर लगाइए, ये मैंने थोड़ा सा बुना है। अब मैं इसको फर्स्ट लाइन से आपको बताने जा रही हूँ। ये बुनती की फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन में मैंने इसमें 22 घर डाले हैं, 20 घर बुनती की और 2 स्टिच, फर्स्ट और लास्ट वाला। सबसे पहले हम पहली जो बेसिक रो है, ये एक ही बार डलती है। जब एक पूरी डब्बी, ये इतनी डब्बी जो पूरी डब्बी होती है, फिर उसके बाद फिर से ये वाली सिलाई आती है। जब ये पूरी डब्बी, ये वाली डब्बी पूरी हो जाती है, फिर ये सिलाई ये बेस रो की इस तरह से आती है। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, पहला घर लिया स्टिच ऐसे ही, दूसरा घर इस तरह से ऐसे और ऐसे, इसी तरह से ये पूरी सिलाई हमने इसी तरह से बुननी है। सारी सिलाई इसी तरह से हमने ये वाली सिलाई कंप्लीट करनी है। 2 घर ऐसे, फिर ये घर ऐसा, 2 घर एक साथ और इसको ऐसे और ये ऐसे और ऐसे, लास्ट का घर बचा स्टिच, इसको हम ऐसे ही बुनेंगे। और इसकी जो उल्टी तरफ से ये पूरी की पूरी, हर उल्टी सिर जो रो होती है, ये सारी प्लेन बनती है, यानी कि उल्टी ही बुनी जाएगी। इसमें किसी भी तरह का कोई हेर फेर या कोई भी बुनती नहीं डलेगी। इस बुनती को आप किसी भी उसमें डाले, लेडीज़ कार्डिगन बनाया मैंने इसमें क्रीम शेड में, वो भी बहुत प्यारा बन के आया है। जेंट्स फुल बाजू की स्वेटर में ये बहुत सुंदर लगती है। ये जो मैं अभी बता रही हूँ, ये 3-ply की वूल है, इसमें भी ये सुंदर लग रही है। ये होगी थी फर्स्ट रो, सेकेंड रो। अब थर्ड रो में हमें क्या करना है, ये फर्स्ट फंदा इस तरह से, अब सेकेंड फंदे को हम ऐसे बुना। अब हम पहले हमने पूरी रो इस तरह से बनाई थी, स्टिच लिया था, फिर हमने शुरू कर दिया था। दूसरी रो में हमने स्टिच, एक फंदा, फिर हमने इस तरह से 1, 2, 3 और 4 टाइम हमने ऐसे किया। अब हमने पांचवा जो है ऐसे को, जैसे ये डब्बी बनी ना यहाँ से ऐसे को, अब हमने ये डब्बी यहाँ से ऐसे को लेके जानी है। चार बार हम ऐसे को लेंगे, पांचवी बार हम इसको यहाँ से उठाएंगे ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे, एक फंदा ऐसे, बाकी इस तरह से। नेक्स्ट सीधी सिलाई में ये 5-5 धारियां आती है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से भी 1, 2, 3, 4, 5। अब ये इधर से ऐसे को कटेगी और इधर से इस तरह से जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया ऐसे ऐसे और ऐसे,
यहाँ थ्री टाइम्स आएगी अब ये वाली बनती, वन टू और थ्री। अब थ्री टाइम इधर को, टू टाइम इस तरफ को जाएगी, ये सीधा किया और ये ऐसे बैक साइड से ये उठाया ऐसे और ऐसे, ये हो गया एक बार और ये हो गया दो बार, ये हो गए पूरे 10 घर। अब फिर इसी तरह से वन टू और थ्री, ये हो गया थ्री टाइम्स इस तरह से। और इस बार ये 3 घर बचे, तो हम यहाँ से इसको शिफ्ट कर देंगे ऐसे को, ये ऐसे को है ना 1 2 3 4 5। अब हम इधर को मोड़ेंगे इसको ऐसे, पीछे से लेंगे इसको ऐसे 1 और 2। इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये 10 घर की ही बुनती है। जब ये 5 धारियाँ इधर को पूरी हो रही तो 6th ये इधर को जाएगी, और यहाँ भी जब 5 कंप्लीट हो जाती है तो ये ऐसे को, ये यहाँ से ऐसे कटेगा और ये इधर से ऐसे को जाएगी। नेक्स्ट आई हमारी रॉन्ग साइड, उल्टी तरफ से, उल्टी तरफ से सारी रोज उल्टी उल्टी ही आती हैं। शुरू में ये बुनती उलझन सी वाली लगती है, पर जब आप इसे बुनेंगे तो आपको बुनते बुनते आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे को चलती है और कैसे को हमने घर को इधर से उधर पलटना है। नेक्स्ट आ गई सीधी तरफ से, पहला घर स्टिच बुना। अब जैसे ये 1 2 3 4 5 है ये, तो ये इधर से इधर को हो गया, तो अब है जो जैसे ये 1 2 3 घर, तो ये 2 टाइम ही इधर को रहना चाहिए, 1 2 और 3 टाइम इधर को हो जाएगा, 1 और 2 टाइम इधर को। अब हमने क्या करना है कि ये जो है यहाँ से ऐसे को कटना शुरू हो जाएगा, तो हम इसको कैसे शुरू कैसे करेंगे। दूसरा घर ऐसे बनाया और यहाँ से ऐसे को, ऐसे हो गया ये और ये 2 टाइम इस तरफ को, 1 और 2। टू टाइम इस तरफ से, फिर हमने 3 टाइम ऐसे को पलटना है, 1 और 2 और थ्री, ये हो गया 3 टाइम इस तरफ को। फिर हमने 2 टाइम, ये 2 टाइम इस तरफ को हो जाएगा, 3 टाइम इधर, 2 टाइम इधर, और बाकी जो बचा वो भी इस तरफ को ही बुनेंगे हम, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। नेक्स्ट उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी ही बुननी है। अब ये बुनती 1 2 सिलाइयों की रहेगी, 2 सिलाई के बाद ये डब्बी कंप्लीट हो जाएगी। और आई होप आपको भी ये ज़रूर समझ में आ गई होगी। इसकी सीधी तरफ
से हम इधर को जा रहे हैं, इधर से ये ख़त्म हो जाएगी ये वाला, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ से इधर और यहाँ से ये ख़त्म हो रही है। यहाँ अब ये एक पैर की बुनती बची, लास्ट सीधी सिलाई में ये भी ख़त्म हो जाएगी, जो तीसरी सीधी सिलाई आएगी। जैसे ये घर आपने कभी 5 से 6 नहीं होने चाहिए, ये जो धारियाँ 1 2 3 4 5 होनी चाहिए और इधर को भी ये 5 ही आनी चाहिए। ये ऐसे हो गया, ये एक इधर को रही, बाकी 4 इधर को। अब इस तरफ से भी ऐसे ही होगा, ये 4 इस तरफ को आएगी और एक उस तरफ को आएगी ऐसे। और जो ये ऐसे को जा रही है, ये हमने ऐसे को बनाना है, ऐसे और ऐसे। बाकी सर बाकी सारी की सारी लाइन उस तरफ को ऐसे और ऐसे। नेक्स्ट जो हमारी सीधी साइड से आएगी, वो पूरी की पूरी लाइन हम वन साइड को ही चलेगी, उसी तरफ को ही बुनी जाएगी, फिर ये डब्बी भी कंप्लीट हो जाएगी। ये है इसकी उल्टी तरफ से, उल्टी तरफ से ये पूरी रो उल्टी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये बुनती समझ आई या नहीं, मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा या नहीं। यदि आपको कहीं पर भी ये बुनती समझ नहीं आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपकी डाउट क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अब ये सारी की सारी ये वाली रो इसी तरफ को जाएगी, क्योंकि इसमें एक ये वाली लाइन इसे ख़त्म हो जाएगी, बाकी सारी की सारी लाइन उसी तरफ को जाएगी, फिर उल्टी सिलाई उल्टी ही आएगी, फिर यह जो ये डब्बी पूरी हो जाएगी, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये डब्बी पूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक ये डब्बी पूरी होगी, यहाँ से फिर ये डब्बी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप गाइज आपको ज़रूर मेरी ये वीडियो समझ आ गई होगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।